स्मृति विजय वाटिका पर सीएम योगी पहुंचे। आपको बता दें, कारगिल स्मृति वाटिका पर सीएम योगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नगर विकास मंत्री एके शर्मा और लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, एक विषम परिस्थितियों में कारगिल युद्ध लड़ा गया था। भारत की धरती से आतंकियों को खदेड़ने में हमारे सैनिकों को सफलता मिली थी। उन्होंने कहा, आज हम नए भारत के निर्माण में काम कर रहे हैं। आज देश में पीएम की अगुवाई में किसी आतंक के लिए कोई जगह नहीं है। आजादी के बाद जो वंचित था, उस व्यक्ति को आज विकास की परिपाटी से जोड़ा जा रहा है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे प्रश्न हम सबके सामने होंगे, लेकिन आज एक नए भारत के रूप में हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। यह नया भारत जिसमें हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी है, जिस भारत में आतंकवाद के लिए, नक्सलवाद के लिए, किसी भी प्रकार की घुसपैठ के लिए कोई जगह नहीं है, हर व्यक्ति को समान रूप से जीवन को जीने का अवसर प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है,